नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टाइम। मैं तो देखिए आज आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे, UK SSC के द्वारा ऑफिशियली यहाँ पे इनके द्वारा JEE का जो सिलेबस होता है वो पब्लिश कर दिया गया, अपनी साइट पे डाल दिया गया है। तो जो लोग भी इस ये जो सिलेबस है इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, स्टडी विद एम के नाम से ही है। जैसा आप हमारे यूट्यूब चैनल का थंबनेल देख रहे हैं उसी थंबनेल पे आपका जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो आप उसको जो वहाँ पे जाकर डायरेक्टली सारे जो भी ये सिलेबस है इसको देख डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 110 पेजों में इनके द्वारा दिया गया है आपका ये पूरा सिलेबस। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस दिया गया है इन्होंने, पूरा ही थर्ड सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक का इनके द्वारा पूरा पेस्ट कर दिया गया है। तो पढ़ना अपने अपने हिसाब से, लेकिन ये जो आपका सिलेबस है ये बहुत हद तक आपकी हेल्प करेगा आपका एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन सा जो सब्जेक्ट है कितना मार्क आपका गेन कर पाएगा, कितना मार्क आपको इसको स्कोर करने पे मदद कर पाएगा, तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वे लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगर यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई भी अपडेट आती है तो उसका जो अपडेट है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे जो आपका JEE का सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले इन्होंने फ्लूइड मैकेनिज्म का दिया है, यानी कि इसको जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टेक्निकल के बच्चे FM, ठीक है, FM का सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, इनका थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। ये सारे चैप्टर्स के नेम है, यहाँ पे सारे चैप्टर्स के नेम दे रखे हैं, तो इस चैप्टर्स के नेम को आप एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। और इसको आप चाहें तो प्रिंट आउट करा सकते हैं जो सीरियस बच्चे हैं, ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्सरसाइज भी है, यहाँ पे प्रैक्टिकल के एक्सरसाइज हैं। ये प्रैक्टिकल के एक्सरसाइज देखिए, ये है आपका बर्नौली थ्योरम्स हो गया आपके, ठीक है, वेंचर मीटर कोफिशियंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने प्रैक्टिकल में करे होंगे, ठीक है, एक्सरसाइजेस करे होंगे, तो इनके इनको भी आपको थोड़ा सा रीड करके जाना पड़ेगा। और ठीक है, और यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल यहाँ पे स्ट्रेटेजी दे रखी है आपकी कि क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए यहाँ पे, तो इस चीज़ को भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका रिकमेंडेड बुक भी दे रखी है यहाँ पे, आपको कौन कौन सी बुक रिकमेंडेड करनी चाहिए, तो ये सारी की चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए सजेस्टेड किया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क का देखिए सजेस्ट कर रखा है इनके द्वारा कि आपका जो टॉपिक नंबर वन, यानी कि इससे पहले जो टॉपिक दिए थे वन और टू, ये टॉपिक दिए थे उस जो आपका टॉपिक है वो पहला जो टॉपिक है वो 2 मार्क आपका यहाँ पे कवर, सॉरी 2% का कवर करेगा। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए वो 7% का, तो आपको ज़्यादा देखिए सबसे पहले तीसरा जो टॉपिक है आपका, ठीक है, थर्ड जो टॉपिक है वो आपका 17% आपका यहाँ पर कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसको आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। वैसे ही आपका देखिए 12-12% आपके 5th, 5th और 6th चैप्टर आपका कवर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो टॉपिक है 7th जो आपका टॉपिक है यहाँ पे वो आपका 17% मार्क गेन कर रहा है, और 8th वाला जो टॉपिक है वो है आपका 18% मार्क कर रहा है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दे रखे हैं आपका टॉपिक, देखिए जैसे ये 9th वाला टॉपिक है, ठीक है, ये आपका 8th टॉपिक है, ये आपका 7th टॉपिक है, तो इसी टॉपिक को आपको पढ़ना है और इसी टॉपिक के आधार पर आपके यहाँ पे मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। ठीक है, अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका अप्लाइड मैकेनिज्म, ठीक है, यानी कि AM का जो आपका सिलेबस है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में होता है आपका, तो इसमें भी आपके फोर्सेस ऑफ लॉ हैं या लॉ ऑफ फोर्सेस हैं, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। थर्ड आपका मूवमेंट का है आपका, ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं आपका, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपके, फिरता है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। इसमें जो टोटल आपका टॉपिक है 7 टॉपिक है। ठीक है, अब बात करते हैं 7th टॉपिक में से आपका कौन कौन सी कितना कवर कर रहा है, यहाँ पर रिकमेंडेड बुक भी है, कौन कौन सी बुक आपको रिकमेंडेड करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए ये आपका टॉपिक है, देखिए 7th बोला था ना मैंने, 7th टॉपिक तो ये है, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कवर कर रहा है वो 18 नंबर वाला, ठीक है, 18% वाला, यानी कि टॉपिक थर्ड से लेकर थर्ड और फोर्थ जो आपका सबसे ज्यादा कवर कर रहे हैं, उसके बाद आपका जो कवर कर रहे हैं वो है सेकंड और लास्ट 7th वाला 16%, तो इसी के आधार पर आप उन टॉपिक को ज़्यादा महत्व दीजिएगा जो आपका सबसे ज़्यादा कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं आप सभी लोगों से जो कम कर रहा, मान लो कि आपका ये 8% कवर कर रहा है, तो मान लो एक क्वेश्चन इससे आ गया तो फिर क्या करोगे, वो तो अपना परसेंटेज से कवर कर ही लेगा ना, तो आपको इसको एक हिसाब से पूरा अच्छी तरीके से रीड करना है। ठीक है,
अगला जो है आपका, देखिए अगला जो टॉपिक आता है वो आता है सर्विंग फर्स्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर्विंग फर्स्ट कौन सी किस में है, थर्ड सेमेस्टर में है ना, तो ये सर्विंग फर्स्ट का आ गया। तो सर्विंग फर्स्ट का भी इसमें पूरा इन्होंने पूरा डिटेल दे रखा है, पूरा उनका जो सिलेबस होता है उसको भी यहाँ पे टोटली कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लेवलिंग का है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो आपका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करी होंगी आपने, जैसे कि रेंजिंग लाइन होगा, चैनिंग एंड लाइन, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग है ना, फील्ड बुक जो आपकी फील्ड बुक आपने फील करी होगी वहाँ पे, और फील्ड बुक को लेके गए होंगे कैसा फील किया, तो इन सारे की बहुत डिटेल छोटी से छोटी बातें भी यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। उसका देखिए कंपास सर्विंग होगी, लेवलिंग होगी, आज तो बहुत सारी चीजें पूछे जाने वाला है, ठीक है। एक हिसाब से पूरा आप ये समझ सकते हैं, अगर थोड़ा सा जनरल आइडिया लगाएं तो थर्ड सेमेस्टर से लेके इनके द्वारा जो सिक्स्थ सेमेस्टर होता है, ठीक है, थर्ड से लेकर सिक्स सेमेस्टर का जो जो बुक्स होती है, सारे बुक्स को यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया है, और उनका जो सिलेबस है इनके द्वारा दे दिया गया है, भाई ये है आपका सिलेबस और इन सबको आप पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपको इनको इनके द्वारा सजेस्ट किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क का, देखिए जिसमें पांच टॉपिक थे, इसमें पांच टॉपिक में सबसे जो ज्यादा टॉपिक कवर कर रहा है वो थर्ड टॉपिक कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद सबसे जो ज्यादा है वो फोर्थ और फिफ्थ वाला जो टॉपिक है वो कवर कर रहा है 30-30% का। तो आप इनको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, उनको पढ़ लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है इसको मैं बता देता हूँ, ये आपका देखिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, सीएम का है ये आपका पेपर, ठीक है। बिल्डिंग स्टोन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये सारी चीजें इसको आप एक बार देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, देखिए क्योंकि यहाँ पे 110 पेज है, अगर एक एक चीज बताने लगूं तो कम से कम एक आधे से एक घंटे के बीच में आपकी वीडियोस बनने वाले, एक घंटा भी कम पड़ जाएगा एक हिसाब से। तो इसको एक काम कर लीजिएगा, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। उसका देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दे रखी है इनके द्वारा, तो इनको आप देख लीजिएगा। और प्रैक्टिकल जो आपको प्रैक्टिकल उनमें से याद रखिएगा, प्रैक्टिकल से भी एक से दो सवाल आएंगे ही आएंगे आप सभी के, ठीक है। तो ये आपका जेई का सिलेबस दे रखा है इनके द्वारा, रिकमेंडेड बुक्स दे रखी हैं, कौन कौन सी आप बुक प्रेफर कर सकते हो अपने पढ़ने के लिए, ठीक है। अलॉटमेंट दे रखा आपका यहाँ पर, सजेस्ट कर रखा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क का, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे टोटली जो टॉपिक है, मैं टॉपिक बता दिए हैं यहाँ पे, जो ऊपर टॉपिक दिए थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इसमें 8% कवर करेगा ये, 20% कवर करेगा इससे, 16%, 8%, 14%, 12%, 8% और 14%, ये टॉपिक दे रखा है। और सामने दे रखा है कि कौन सा टॉपिक आपका एग्जाम में कितना परसेंट कवर कर रहा है, ठीक है, वो आपको देखना है। उसका आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी ये तो टोटली आपका थर्ड सेमेस्टर में आता है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो सारी चीज़ें दे रखी है, स्टोन मेसनरी दे रखी है इसमें, तो सारी चीज़ें हैं आपके इसमें दे रखी हैं जो आपको यहाँ पे पढ़नी ही होंगी। एक हिसाब से आपको थर्ड इनके हिसाब से यानी UK SSSC के हिसाब से आपको थर्ड से लेके फिर सिक्स तक आपको टोटली पूरी किताबें पढ़नी है, मतलब तो एक हिसाब से दोबारा से पॉलिटेक्निक करनी है इनके हिसाब से, ठीक है। और एक बार देख लीजिएगा अच्छे से इनके द्वारा पूरा अच्छे से पूरा ही पूरा डिटेल इनके द्वारा पूरा डिटेल सिलेबस दे दिया गया है। ये आपका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो आपने करी थी होंगी आपके अपने टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें देखी दे रखी हैं। और यहाँ पे देखिएगा आपका इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी दे रखी है, तो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी को भी आप पढ़ लीजिएगा, तो इस काफ़ी हेल्पफुल करेगा। रिकमेंडेड बुक्स भी दे रखी है इनके द्वारा, कौन कौन सी बुक आपको रिकमेंडेड करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोड भी देखा है आपका, BIS कोड जो आपका होता है कोड 6313, ये आपको कोड से आप पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप सभी लोगों के लिए। और ये मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कितने मार्क आपका किसमें आपका कवर करेगा, तो एक बार इन चीज़ को भी रीड कर लीजिए। जैसे पहला जो टॉपिक दे रखा था वो 1% का कवर कर रहा है, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं 11% है, ठीक है, 11% यानी आपका जो सेवन्थ टॉपिक है, सेवन्थ टॉपिक एक बार हम देख लेते हैं, सेवन्थ टॉपिक जो आपका कवर करेगा वो 11% का आपका कवर कर रहा है। सेवन्थ टॉपिक आपका क्या है एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये है आपका सेवन्थ टॉपिक ये आपका, ठीक है, डैम प्रूफिंग है वाटर प्रूफिंग का, ठीक है, तो इससे ज़्यादा आना चाहिए आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है डैम प्रूफिंग और वाटर प्रूफिंग में, तो ये आपका 11% का कवर कर रहा है। तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कौन सा टॉपिक में कितना परसेंट कवर कर रहा है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, देखिए अगला जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है आपका बिल्डिंग ड्राइंग का, ठीक है। बिल्डिंग ड्राइंग भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका बुक्स है, चैप्टर ना कह के इसे बुक्स कहेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग आपने देखा होगा, बिल्डिंग जो ड्राइंग होती है वो थर्ड थर्ड सेमेस्टर में होती है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैड हेड भी पूछने पूछ कैड सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाने वाला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें के बारे में पूछा जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम है, ये भी आपके शायद थर्ड में होती है जहाँ तक कि मुझे पता है, ठीक
है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें इनके द्वारा दिया नहीं है। अब पार्ट बी आ जाता है आपका, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में सारी इंटर कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके बारे में जो इलेक्ट्रिकल के हैं ये देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल वाले इनसे इनके द्वारा पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल जो भी एक्सरसाइज कर रखी है आपने इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है ये, इलेक्ट्रिकल वाले देख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। इससे पहले जो मैंने बताया वो सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए था, ठीक है। रिकमेंडेड बुक्स भी दे रखी इनके द्वारा। और उसका देखिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इनके बारे में ये जो रिकमेंडेड बुक है ये दे रखा है, उसका सजेस्ट किया हुआ है आपका कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क कितने का है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए पार्ट वन में और पार्ट बी में, ठीक है। ये थोड़ा सा देखा है इन्होंने इनके द्वारा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। अब फिर से आगे देखिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये आपका सिविल का है, तो इसको देख लीजिए सिविल वाले जो आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी है इसको आप देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपसे पूछे जाने वाली है, आप देख सकते हैं पूरा पूरी किताब पढ़ने के हिसाब से, इनके हिसाब से यानी UK SSC के अकॉर्डिंग आपको पूरी किताब रटनी है, ठीक है, UK SSC के अकॉर्डिंग। अब आप देख लीजिए कि आपको करना क्या है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इनके द्वारा दे रखी है, ठीक है। मैं सोचा था कि आपका जो JEE का आपका सिलेबस आएगा वो बहुत शॉर्ट में दिया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी होंगी, तो इनके द्वारा पूरा थर्ड से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक का पूरी किताब ही यहाँ दे दी गई है, एक हिसाब से पूरी किताब का सिलेबस है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। सजेशन दे रखा है आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क का, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसके बारे में दे रखा है सारी चीज़ें। देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क का दे रखा है, कौन सा टॉपिक कितना परसेंट कवर करा है, जैसे इसमें फिफ्थ जो टॉपिक है वो 80 नंबर कवर करा है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। अगला जो बढ़ता है वो है आपका सोयल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है आपकी इंजीनियरिंग, इसको आप थोड़ा अच्छे से करिएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। बाकी जिसको ये PDF डाउनलोड करनी होगी एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लिंक भी दे दूंगा, पिंड कमेंट कर दूंगा उसको, पिंड कर दूंगा, और उसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी मैं डाल दूंगा, टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है आपका यहाँ पे, इसका द्वारा ये सारी रिकमेंडेड बुक दे रखी है, जो जो आपने प्रैक्टिकल कर रखे हैं वो सारे प्रैक्टिकल्स दे रखे हैं, तो सारे नॉर्मल सी चीज़ें हैं, एक बार इसको आप रीड कर लीजिएगा। रिकमेंडेड बुक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, ठीक है। उसका यहाँ पे सजेस्ट किया गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क है, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो मार्क कवर कर रहा है वो कर रहा है आपका 11th वाला टॉपिक, ठीक है। 11th वाला जो टॉपिक है वो 17% का, नंबर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, 17%, यानी कि जो ये चैप्टर है चैप्टर का 17% इससे टॉपिक क्लियर होगा, यानी कि इससे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है इस टॉपिक से, तो ये अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा यार, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे वाटर सप्लाई एंड वेस्टेज वाटर इंजीनियरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी की, क्योंकि आपका जल निगम का पेपर है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करके जाइएगा आप सभी लोग, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे अगर आप आए तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी दे रखी है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। रिकमेंडेड बुक्स दे रखी है आप सभी लोगों को, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मार्क देखा है आपका, सजेस्ट कर रखे हैं आपके कितने मार्क हैं, यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा जो मार्क कवर कर रहा है वो कर रहा है आपका 11, ये 14 टॉपिक, और ये है आपका 5th वाला टॉपिक, ठीक है, ये सॉरी ये 4th वाला टॉपिक, ये 12% का कवर कर रहा है, और थर्ड वाला भी 12% का कवर कर रहा है, तो इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला आपका देखिए इरिगेशन इंजीनियरिंग का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा आपका इसके लिए, जल निगम के लिए, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्क्रॉल करके देख लीजिए, ये देखिए इसको स्किप करके देख सकते हैं, सॉरी पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है आप सभी लोग, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। रिकमेंडेड बुक्स दे रखी हैं आप सभी लोगों के लिए, यहाँ पे कौन कौन से रिकमेंडेड बुक हैं आपका, यहाँ पे मार्क देखें सबसे ज़्यादा इसमें जो कवर करा है 13, और उसका सबसे जो ज़्यादा कवर करा है ये 4th वाला टॉपिक कवर करा है सबसे ज़्यादा, उसके हिसाब से आप अपने तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सर्विंग टू या आगे, इससे पहले 3rd सेमेस्टर वाला था सर्विंग फर्स्ट, और 4th सेमेस्टर में आ गया आपका सर्विंग सेकेंड, ठीक है, ये 4th सेमेस्टर का चल रहा है आपका, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल दे रखा है यहाँ पे आपका, कंटूरिंग दे रखी है आपका, ठीक है, छोटे लाइट सर्वेइंग दे रखी है यहाँ पे, सारी चीज़ें दे रखी है आपका, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करी थी वो आपकी यहाँ पे पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे स्ट्रेटेजी देखिए, इसको आप देख लीजिएगा। रिकमेंडेड जो बुक है इसको भी आप देख लीजिएगा, कौन कौन से रिकमेंडेड बुक आपको चाहिए या इसको रिकमेंडेड करते भी हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखिए इसमें जो सेकेंड वाला टॉपिक है आपका, ये आपका सबसे ज़्यादा कवर करता है, उसके उससे भी ज़्यादा कवर आपका 4th वाला करता है, ठीक है, ये 34% कवर कर रहा है, ये 28% कवर कर रहा है, ठीक है। और मेरे एक पॉइंट ऑफ हिसाब से जो कम कवर करा आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क लेना नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते हो आप, तो इसको आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म है यहाँ पे, इसको अभी देख लीजिएगा आप, ठीक है।
इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, पूरा आप देख सकते हैं 110 पेज हैं इसमें, टोटली 110 पेज इनके द्वारा दिए गए हैं सिलेबस के, ठीक है। 110 पेजों में इनके द्वारा सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा जो सिलेबस डिफाइन करके दे रखा है यूके 1380 JEE का सिलेबस, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पर रिकमेंडेड बुक दे रखी है और यहाँ पे टॉपिक्स तरीके हर एक सिलेबस में ऐसे दे रखा है आप सभी लोगों के लिए। नीचे बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग और ड्राइंग का, यहाँ पे ठीक है, ये इसमें भी वही है आपका वाटर सप्लाई वेस्टेज वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट वाला, तो इरिगेशन तो आप सबसे ज़्यादा करके जाइएगा, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने की उम्मीद यहीं से है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप फोर्थ सेमेस्टर के बाद आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। जो आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है 3 मंथ की, तो इस 3 मंथ में आपके के द्वारा क्या क्या है वो उनके द्वारा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके को जो पूछा जाना चाहिए, आपको उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जो जो आना चाहिए उन सबके बारे में आपको बता रखा है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है आपका रिइंफोर्समेंट कंक्रीट डिज़ाइन, ठीक है। RCC है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो ये आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारा सिलेबस दे रखा है इनके द्वारा और कौन कौन से कितने मार्क यहाँ पर कवर करने वाला है तो ये भी दे रखा है। तो मेरे हिसाब से जितना इन लोगों ने चैप्टर यहाँ पे क्लियर करे कि इस चैप्टर से इतना परसेंट इस चैप्टर से आएगा, इससे बड़े बुक का क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा इतने जब इतना वर्ड आपका सिलेबस दे रखा है तो एक हिसाब से इन्होंने बुक कवर कर लेनी चाहिए, इस बुक से इतना परसेंट आ सकता है संभावना है, ठीक है। ये आप इनके द्वारा कवर कराया जाना चाहिए था जो इसमें है नहीं। हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है आपका, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए जो अगला है आपका यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप एक काम कर लीजिए पढ़ लीजिएगा यार, ठीक है ना। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दे रखा है कि कितना कौन सा टॉपिक कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अगला है आपका देखिए यहाँ पे, अगला जो टॉपिक है यहाँ पे देखिए रेलवे ब्रिज एंड टनल्स हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसी के साथ साथ अगला जो टॉपिक यहाँ पे दे रखा है इनके द्वारा वो है आपका यहाँ पे क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ताकि आपको MBA भी बनानी आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इनके बारे में दे रखा है इनके द्वारा भी, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा 30% पूछा जा रहा है वो है आपका फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ वाला जो टॉपिक है उसको जो भी होगा इसको देख लीजिएगा आप। उसका आपका देखिए जो अगला चैप्टर है वो है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। मेंटेनेंस और रिपेयरिंग जो बिल्डिंग है उसका कैसे किया जाएगा, ये भी आपका दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये भी सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट, इसको आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका दे रखा है, ठीक है। इसमें तो सब पूरा सब सब बराबरी दे रखा है, तेरा था सबसे जो लास्ट वाला है छठा वाला वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है, जो छठा वाला आपका टॉपिक है, ठीक है। छठे में आपका देखिए देख सकते हैं कितना ज़्यादा इनको इनके द्वारा डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये आपका देखिए ये पांचवा है, ये रेमेडियल और मेजर्स ऑफ बिल्डिंग डिफेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप देख लेना। अगला है आपका देखिए यहाँ पे, अगला है आपका यहाँ एप्लीकेशन है यूजेस ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर इन सिविल इंजीनियरिंग का, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, चाहे वो ऑटो कैड हो या फिर जो भी हो, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका यहाँ पे देखिए स्टील स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन का, ठीक है। स्टील डिजाइनिंग का है, तो स्टील डिजाइनिंग के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉलम का हो चाहे वो बीम का हो, ठीक है। ये जो स्टील का जो डिज़ाइन है इसके बारे में पूछा जाएगा, BIS कोड देख लीजिएगा, इस BIS कोड के अकॉर्डिंग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 800 और 2007 का कोड है इसमें, तो इस कोड के हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। अगला जो आपका यहाँ पे है वो अर्थक्वेक और रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है आपका, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी इनके द्वारा टॉपिक वही है, ये सारे जो हैं ये आपका है बुक्स का नेम है, ठीक है। अर्थक्वेक और रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये आपके बुक्स का नेम है, और बुक्स का टोटली जो भी सिलेबस है इनके द्वारा सीधे दे दिया गया है भाई, ये है आपका सिलेबस, ठीक है। अगला है आपका देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो है आपका यहाँ पे वो है आपका देखिए एडवांस, ठीक है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कंस्ट्रक्शन जो टेक्नोलॉजी आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी सारे चैप्टर दे रखे हैं, कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाने वाला है, कौन कौन से टॉपिक से कितना परसेंट पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके बारे में इस बारे में बता रखी, ठीक है। अगला देखिए अगला आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो आजकल के टाइम पे देखिए पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके बारे में 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड बुक दे रखी है,
उसके बाद यहाँ पे देखिए सजेशन दे रखा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क का, जैसे सभी में दे रखा है। ठीक है, अगला आपका देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चरल ड्राइंग है यहाँ पे, तो इसको भी आप देख लीजिएगा स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आपको क्या क्या दे रखा है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे जो अगला टॉपिक यहाँ से पूछा जाने वाला है वो मेजर प्रोजेक्ट वर्क का। ठीक है, जो जो आप इंडस्ट्री या फील्ड में आप करते हैं तो इसके बारे में भी पूछा जाएगा आपका, जो मेजर प्रोजेक्ट होगा इसमें आप देख सकते हैं ये सारे आपका पूछा गया है। ठीक है, ये सारा इनके द्वारा कॉपी पेस्ट किया गया, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं आप, इनका जो टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला आपका देख लीजिए, अगला जो है वो है आपका सर्वे कैंप, जो आपका 10 डेज का लगता है आपका, लास्ट 6 सेमेस्टर में लगता है शायद। ठीक है, तो ये जो 6 सेमेस्टर में लगता है तो ये आप देख लीजिएगा 10 डेज का, उसमें आपका क्या क्या है करके। ठीक है, अगला आपका इम्प्लॉयबल स्किल्स आपको आनी चाहिए, क्या क्या आपको भरना होता है इसमें, इम्प्लॉयज़ का लेबर हो गया, सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। अगला है आपका देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे इतना ही दिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटली इनके द्वारा 110 पेजेस में आपका ये सिलेबस कंप्लीट किया गया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। ठीक है, 110 पेज अगर कोई यहाँ पे प्रिंट भी कराएगा तो जितना टाइम बचना है, 102 महीने तो इनको रीड करने में ही लग जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, UPSC ने अपना काम पूरा कर दिया गया है, ताकि कोई इन पे उंगली ना उठा सके कि आपके द्वारा सिलेबस नहीं दिया गया है, तो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। आप काम पूरा करने की बारी आप सभी लोगों की है, आप सभी लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा, अपने तरीके से तैयारी करिएगा, सिलेबस भी इम्पोर्टेंट होता है आपको पेपर को पेपर का एनालिसिस करने के लिए, तो आप इसका भी एनालिसिस करिएगा। बाकी आप सभी लोगों से आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कितने चैप्टर आने वाले हैं और क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बताने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन तब भी आपके माइंड पर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, आप सभी के कमेंटों का आंसर मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, और जाने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वे लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर इसमें प्रेस कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।